चुन्नी में है चुन्नी में, चुन्नी में है चुन्नी में, परफ्यूम लगाओ है चुन्नी में। हे गाइस, तो अभी हम लोग चल दिए बाहर, चले छोला ले लेते हैं। कैसे लग रही मैं? मस्त मस्त। मैं लिफ्ट में तो देख ही लूंगी। फैन मैन है ना, कुछ तो भारी भरकम लेने वाले हैं, तो दिखाएंगे क्या लेते हैं। जितना पॉकेट अलाउ करेगा उतना ही लेंगे ना। हमारी कष्ट पीड़ा को कौन समझेगा, कितना मेहनत लगता है, ये से हाथ पकड़ना पड़ता है ब्लॉगिंग करते समय। हाँ, अब निकलेंगे गाड़ी से, स्कूटी से अपना। हेलो बैठो। कितना भीड़ है सब, अभी से मार्केट लग गया। इधर देख सकते हैं, इधर 30 रुपए का टी शर्ट। इयरिंग देख रही हूँ। चरखी पे जाना है, मेरे को डर लगता है। 30 रुपए सुन के आ गई है कपड़े देखने। तो उनको लगता है 30 रुपए में कुछ तो अच्छा चीज वाला सामान मिल जाए। क्या बात है, 30 का सेल है। इतना भीड़ है ना इधर लेडीज का। चला चला चला, 100 में घ्या इकडे 100। 100 रुपए ठीक ही है, पर जरूरत है क्या? ऐसा है हम लोग के पास। साइज देख लो ना, हाँ तो साइज को ले लो, क्या आगे देखो। ले लो ले लो। इन मैडम को 150 रुपये भी महंगा लग रहा है, और ये 150 से एक ब्लाउज नहीं लिया। वाह, यहाँ पे देखो फ्रॉक अच्छे अच्छे, बच्चों का कपड़ा पैर लटक गई है। क्या कर ओए भाई, किधर गए? 100 रुपए 100 रुपए यहाँ पर हमारी माइक ऑफ हो गई थी, जिस क्योंकि वो चार्ज नहीं था और हमें पता भी नहीं था कि ऑफ हो गई, और हम कंटिन्यू करे जा रहे थे तो घर पे आके पता चला। तो आप, मैं ये बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी मैडम ने देखा है अभी तक कुछ भी नहीं लिया है, सब में बार्गेनिंग करके चेक कर लिया, क्योंकि इनको हर एक चीज़ महंगा लगता है। इनको 150 रुपये 250 रुपये भी महंगा लगता है। और अच्छी बात यह है कि इन ये काफ़ी मैनेज करके चलती हैं, जो ज़रूरत होता है वो वही ख़रीदती है। यहाँ पर इनको काफ़ी अच्छा घाघरा पसंद आया, पर वो पिछले हफ्ते भी आई थी, बस देख के चली गई थी। तो मैंने इनको बोला कि नहीं चलो, जब पसंद आ ही गया तो ले लो, वरना ये तो देख के फिर से छोड़ के जा रही थी। तो मैंने वापस से इनको लेके जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं मैं वापस से उनके पास लेके जा रहा हूँ। रिक्वेस्ट कर रही चलो, और ये मना भी कर रही है कि नहीं रहने देते हैं, अगले मंथ में कर लेंगे मैनेज। हम बोले नहीं चलो ठीक है, देखा जाएगा, हम कमाते ही किसके लिए, शौक़ पूरा करने के लिए तो पहले शौक़ पूरा करते हैं। कभी कभी तो होता है पसंद, हर बार तो पसंद आता नहीं है। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे कलर पसंद करने को बोला है, तो देख रही है मैडम, काफ़ी सोच समझ के देख रही है। हमें नहीं पता था कि ये घाघरा थोड़ा महंगा आता है, फिर भी पसंद जल्दी नहीं आता इनको, लेकिन जब पसंद आता है तो वो अच्छा नहीं लगता है बिना लिए हुए जाना। तो देखते हैं अभी, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फटाफट इन्होंने पैक किया, और पैक करने के बाद उन्होंने दे दिया, और ले तो ली, पर काफ़ी अफसोस भी कर रहे कि खर्चा हो गया। हम ये देखो, फिर उसके बाद मैंने ये पेमेंट किया, ठीक है, और यहाँ से निकल गया। और मैडम काफ़ी खुश हो गई, फटाफट वहाँ से हम लोग घर के लिए निकले, थोड़ा सा सब्जी लिए। Hey
गाइस, तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से। मेरा फ़ोन चार्ज नहीं था और ऊपर से माइक भी चार्ज नहीं था, तो मैं उधर का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। रिकॉर्ड कर पाई थी बट आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हो पाया होगा क्योंकि माइक ही बंद हो गया था, चार्ज नहीं था बिल्कुल। तो हमने मार्केट से क्या लेकर आई हूँ दिखाती हूँ आप सभी को। तो मैंने ये लेकर आई हूँ आज, फाइनली मैंने ख़रीद ही लिया। बहुत दिनों से देख रही थी बट ले नहीं पा रही थी, सोच रही थी कि नहीं यार बाद में लूँगी। तो फिर सोचे कि नहीं, अब तो होली पास में आ रहा है तो होली के लिए चलते ड्रेस वगैरह लेते हैं कुछ। तो मैंने ये पसंद किया है, देख लो गाइस वो कितना खुश है कि वो अपने आप को रोक पा रही है। अच्छी लग रही हूँ ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि और इनके इस ड्रेस पे या फिर इनके रील्स का इंतजार कीजिए। अब रील आने वाला है, रील भी देखा कीजिए क्योंकि होली पास में आने वाली है। तुम लोग अच्छे अच्छे रील्स भी लाइक करिएगा और कल ही बनाएंगे। गुड। चुन्नी में हाय, चुन्नी में पर अच्छा लगा ना, बाकी खोलने में।